अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो व्लॉग जो है शुरू हो चुका है। आज दिन है 12 जून, तो आज 12 जून है और मैंने सोचा कि व्लॉग जो है शुरू कर लेते हैं। अभी जो व्लॉग है मैं एडिट करने के लिए बैठी हूँ और मेरा जो सारा काम है वो फिनिश हो चुका है, यानी कि मैंने 2 सब्जियाँ बना ली, रोटी बना दी और कल संडे था तो थोड़ी सी बिरयानी रखी थी, तो मैंने चावल और दाल नहीं बनाए हैं क्योंकि हम लोग दोपहर में जितना भी जो भी खा सके, रात में जो भी बचेगा, जैसे कि सब्जियां अगर बचती हैं रोटी बनानी पड़ेगी रात के डिनर के लिए, और तो वैसे सोचकर मैंने नहीं बनाया है दाल और चावल क्योंकि फिर बनाकर कोई फ़ायदा नहीं होता। दोपहर में हम लोग खाते नहीं हैं, बिरयानी ही खा लेंगे, साथ में रोटी और सब्जी भी खा लेंगे, फिर रात का रात में देखा जाएगा जितना जो भी होगा वो मैं करूँगी। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करें। और अजमा जो है स्कूल से आ चुकी है, बैग उसके यहाँ पर देख सकते हैं। स्कूल जो है आजकल 12 बजे छुट्टी होने लगी है स्कूल की, तो अजमा कह रही है कि कल से जो है स्कूल की छुट्टी 1 बजे होगी, तो अभी उसको देखते हैं। मैंने ट्यूशन के लिए टीचर को बोला है, इंशाल्लाह टीचर घर आएंगी नहीं आएंगी कोई आइडिया नहीं है। और अजमा जो है अपना टिफ़िन नहीं खा के आई, तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि वो जैसे नहा कर आएगी उसको अपना टिफ़िन खाना पड़ेगा, और टाइम हो रहा है 12:30। टिफ़िन जैसे खाएगी तो मैं 2 बजे उसको उसका लंच भी दे दूंगी। सब कुछ तैयार है, बस उसको लंच करना है। तो देख, मैं अभी फ़िलहाल आपा के घर जा रही हूँ। टाइम आप देख सकते हैं 9 बज रहे हैं। आपा से आपा ने कहा था कि 8 बजे तक हम लोग जो रेसिपी बना लेंगे, तो आ जाना। लेकिन मुझे लगा कि मैं अजमा को जैसे स्कूल छोड़ के आई, आपा ने कहा था स्कूल छोड़ने के बाद तुरंत आ जाना, तो फ़ोन करेंगे तब मैं आऊँगी, ऐसे मैंने बोल कर आई थी रात में। तो अभी तो यहाँ आने के बाद ना मैंने फ़ोन नहीं किया क्योंकि सोए हुए होते हैं, डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, इस वजह से मैंने कॉल नहीं किया। तो आपा ने मुझे 8:30 बजे कॉल किया कि मैं उठ चुकी हूँ, तो अभी जाने तक देखिए 9 बज रहे हैं। तो सब कुछ लेकर जाना है और वहाँ जाने के बाद भाईजान जो रेसिपी बनाएंगे अगर हो पाता है तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं आपा के घर। जय वाले की सीटी की आवाज़ भी आ गई, तो सोचा कि चलो इसको रखी ठीक है। बनाने का तू
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं आपा के घर आ चुकी हूँ। तो आपा के आते के साथ मैंने पूछा कि क्या ये प्याज कट करनी है, तो आपा ने यहाँ पर प्याज निकाल के रखी थी, कितनी प्याज डालनी है, तो मैंने सोचा कट कर लेते हैं। आपा ने कहा कि हाँ कट करनी है, तो मैंने सोचा कि चलो कट कर लेते हैं। और आपा यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा, आपा और भाईजान फोर्स कर रहे थे कि कॉफ़ी पी ले, क्योंकि वो लोग भी कॉफ़ी पी रहे थे, और मैंने मना कर दिया क्योंकि आपा को भी पता है मैं कॉफ़ी जो है नहीं पी पाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि अगर मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मुझे मुझसे ब्रेकफास्ट नहीं खाया जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं पीती हूँ। और कभी कभार मेरा मन कर जाए, या फिर कभी कभार जब सर बहुत ज़्यादा दुखता है तेज़ी से, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है, तब मैं जो है सुबह सुबह उठने के बाद कॉफ़ी पी लेती हूँ, वरना मैं कभी भी कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भाईजान ने रख दी है कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है ऑयल। थोड़ा सा उन्हें कम लग रहा था, तो यहाँ पर फिर से ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे ज़ीरा, ज़ीरा जैसे ही चटक जाएगा तो इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं करेंगे, बस प्याज जो है पिंकिश होकर इसमें सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर टमाटर को ऐड किया है भाईजान ने, और इसको अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे जब तक प्याज में टमाटर जो है अच्छे से घुल जाएं, और टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक फ्राई करना है। और यहाँ पर देखिए, ये जो दाने हैं मैंने धोए नहीं थे, ऐसे ही लाई थी फ्रिज से, तो अभी यहाँ पर धो रही हूँ इसको पानी में ऐड करके। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे, भाईजान ने इसमें डाल दिए हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को ऐड करने के बाद यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च, 2 चम्मच उन्होंने लाल मिर्च का यूज़ किया है। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, फिर इसके बाद जाएगा इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, चुटकी भर, चुटकी या फिर 2 चुटकी समझ लीजिए, इसमें काली मिर्च का पाउडर भी जाएगा। फिर इसको इसमें डालेंगे नमक, नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पूरा वो डब्बे में। यहाँ पर देखिए, सब कुछ ऐड करने के बाद लास्ट में भाईजान ने कहा कि पाव भाजी मसाला कहाँ है, तो यहाँ पर हम दोनों मिलके ढूंढ रहे हैं, मैं और आपा। तो फाइनली हमें मसाला जो है मिल चुका है, और एवरेस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, तो वही यहाँ पर अभी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है मिक्स होती रहेंगी। तो साथ में भाईजान ने डाल दी है जो स्प्राउट निकाले हुए दाने थे, हम लोग इसको मड़की दाना बोलते हैं, तो मड़की इसमें डाल दिया है। अभी भाईजान ने पानी भी डाल दिया है, हल्का सा उन्हें पानी कम लग रहा था, तो यहाँ पर पानी और डाला जा रहा है, क्योंकि ये पकेगा तो ये थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी, और ये अच्छे से कुक करने के लिए हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी जो ग्रेवी है वो बन के तैयार है, इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी बननी चाहिए ग्रेवी। तो जितना पानी डाला था पानी सारा अब्जॉर्ब हो चुका है, और दाने भी अच्छे से गल चुके हैं, तो हमारी ग्रेवी जो है बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रख लिए हैं प्याज को काट के, जो नींबू है उसको भी कट करके रख लिया है, और यहाँ पर हमारे लिए जितने पाव लगेंगे वो भी निकाल के रख लिए हैं। और इसको सर्व किया जाता है सेब के साथ, तो सेब भी मैंने निकाल के रख लिया है। और यहाँ पर मैं लाई हूँ आपा के घर से, यहाँ पर ये जो ग्रेवी है वो, तो इसके साथ हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो अभी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सब कट करके सब सारी तैयारियाँ करके रखी, क्योंकि अजमा के पापा आने वाले थे इस वजह से, तो इस तरह का सेव होना चाहिए इसके साथ, और टेस्ट इसका जो है और बढ़ जाता है अगर ये होता है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं अजमा के पापा को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से हमें जो पाव हैं उनको इस तरह से बीच में से कट करना है, जैसे पाव भाजी के लिए कट किया जाता है, उस तरह से करके घी या फिर बटर को लगाकर फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं घी को लगा रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑयल नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपके पास घी या फिर बटर हो तो टेस्ट जो है और अच्छा आता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से क्रिस्पी करना है, और आपको जैसे मतलब आप सॉफ्ट खाना चाहें तो सॉफ्ट खा सकते हैं, या फिर क्रिस्पी भी करके खा सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारी जो थाली है वो तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर प्याज ऊपर से गार्निश नहीं की है, क्योंकि जैसा अजमा के पापा को चाहिए वो करके खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, जो कि आजकल हमें गोवन रेसिपीज़ ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं। गोवा की ज़्यादा करके जो ब्रेकफास्ट में बनाई जाती हैं वो मैं बनाने लगी हूँ। तो आज की ये जो रेसिपी थी भाईजान के तरफ से थी, भाईजान ने बनाई थी, माशाल्लाह से टेस्टी बनी थी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से फीडबैक देना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं अजमा के लिए, मतलब अजमा के बुक्स में किस तरह से कवर डालती हूँ और पूरी साल भर के लिए अजमा के बुक्स किस तरह से होते हैं। तो एक बार अगर मैं कवर डालूँगी तो ये बुक्स जो है पूरे साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। नेक्स्ट ईयर भी अगर किसी को बुक्स नहीं मिल पा रहे हैं, गवर्नमेंट से बुक्स नहीं आ पा रहे हैं, तो भी ये बुक्स जो है अजमा के हम लोग देते हैं, तो वो लोग भी पूरा साल भर चला सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ लेबल चेंज करके तो पूरा साल चल जाते हैं अजमा के लिए, और कोई लेकर जाता है तो भी उनके लिए भी पूरा साल चल जाता है। और जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि किसी को भी अगर, मतलब किसी को, बच्चे या फिर बड़े कोई भी हो, किसी किसी को बुक्स के कवर डालना नहीं आता है, तो बुक्स के कवर वो इसको देखेंगे तो आसानी से डाल सकते हैं। तो बहुत आसान है बुक्स के कवर डालना, और ये पूरा साल भर आसानी से अच्छे से रहते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो मैंने अपने ही घर में कई सारे लोगों को देखा है जो कि कवर्स डालना नहीं आता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि बाकी कई लोगों को नहीं भी आता होगा तो भी वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से मैं शेयर कर रही हूँ, मेरे वीडियो के ज़रिए आप सीख सकते हैं मेरे ब्लॉग के ज़रिए, तो मुझे लगा कि शेयर कर देना चाहिए। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं किस तरह से कवर्स डालती हूँ। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, पीछे मेरी जो मशीन है वो चल रही थी, वॉशिंग मशीन, तो उसका बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर करना सही समझा। ये वाटरप्रूफ कवर है, आपको यहाँ पर नाम मैं मेंशन कर दूँगी, सिंथेटिक बुक कवर है, सिंथेटिक इसको बोलते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इसमें दो टाइप के होते हैं। मैं एक तो यहाँ पर देखिए ये वाला होता है लाइंस, इसके आप विजिबल हो रहा है तो इस तरह से लाइन वाला कवर होता है, और दूसरा ये एक और होता है। तो यहाँ पर देखने में दोनों सिमिलर लग रहे हैं, ये थोड़ा सा डार्क है, ये भी वाटरप्रूफ है, ये भी वाटरप्रूफ है, और हम लोग अजमा के जो बुक्स हैं उसके लिए वाटरप्रूफ ही यूज़ करते हैं। वो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं अजमा के जो बुक्स हैं वो कवर डालने के लिए बैठी हूँ। वैसे मैंने जब से स्कूल स्टार्ट हुई है तभी से मैंने जो बुक्स हैं उनको कवर डाल के दे दिया है, बट अभी मुझे यहाँ पर ना थोड़े बहुत और स्कूल, मतलब स्कूल के बुक्स आ गए हैं तो उनको डालना है। कल भी मैंने थोड़े डाले थे और आज भी स्कूल वालों ने आज भी थोड़े से दिए हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें लेकर बैठी हूँ। तो चलिए जल्दी से कवर डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अजमा के जो बुक्स हैं वो कवर डल चुके हैं, यहाँ पर मैंने लेबल भी लगा दिया है, और इसको जो कवर मैंने डाला है वो बहुत, मतलब ट्रांसपेरेंट है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, बस हाँ बुक का जो नाम है वो देख सकते हैं। कई बार टीचर्स जो हैं नाम से भी, मतलब बुक का जो नाम होता है वही बुक निकालने के लिए बोलते हैं, तो बच्चे को आसानी से दिख भी जाता है। और लेबल मैं नीचे इसलिए लगाती हूँ ताकि वो नाम भी दिखे, और लेबल लगाने के बाद हम लोग इस पे नाम लिखेंगे मार्कर पेन से, क्योंकि मार्कर पेन से इसलिए लिखती हूँ, कई बार बच्चे जो है पानी पीते रहते हैं स्कूल में,
और गलती से पानी गिर भी जाता है ऊपर नाम के ऊपर या फिर लेबल के ऊपर कहीं पे भी गिर भी जाता है तो ये खराब नहीं होगा, तो इस वजह से मैं जो मार्कर पेन है वही यूज़ करती हूँ। ब्रेकफास्ट और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और यहाँ पर अभी जल्दी से मैं बनाकर अजमा के लिए टिफ़िन ले जाना है मुझे, क्योंकि अजमा की फरमाइश पे बन रहा है आज बिसी वाली भात। और रात में मतलब कल ही मैंने जो बिसी वाली भात के लिए मूंग की जो अक्खे वाले मूंग रहते हैं उसकी सब्ज़ी बनाई थी, और बिसी वाली भात जो है मूंग की सब्ज़ी में ही अच्छा लगता है, तो इस वजह से अजमा को ना खाने का मन कर रहा था। दो दिन से बोली रही थी तो मैंने सोचा मूंग की जब सब्ज़ी बना ही रही थी थोड़ी सी ज़्यादा बना लेते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट और मूंग होता है सारे मसाले पक जाए अच्छे से, बस हम इसको उतारते हैं। हमारा जो बिसी वाली भात है वो तैयार हो गया है, बस इसको टिफिन में डालना है और पैक करना है, तो चलिए इसको पैक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अजमा का जो टिफ़िन है उसमें मैं चम्मच रख रख के देख रही थी कि टिफ़िन में जो चम्मच है वो बैठेगा या नहीं, तो आसानी से बैठ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।